और पतरातू प्रखंड के दंतो पंचायत क्षेत्र की सड़क दुमहान नदी से होकर गुजरती है, जो कि काफी जर्जर हो चुकी है। बताते चले कि ग्रामीण जर्जर सड़क से परेशान है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधि इसमें सुधार को लेकर उदासीन बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के जर्जर होने के कारण आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बरसात होने पर इस सड़क से होकर गुजरने में गिरने की भी संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अविलंब उक्त सड़क का निर्माण करवाने की भी मांग की है। हम मौजूद है दत्तू पंचायत क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं यह दत्तू पंचायत क्षेत्र का सड़क है, जो राम जानकी मंदिर दुमहान और सोंदा को जोड़ने वाला रिवर साइड से सड़क है। अगर यह सड़क का निर्माण कर दिया जाता तो आम जनता को बहुत बड़ा राहत के सांस ले सकता है। जहां पर सड़क पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है, काफ़ी वर्षों से है, लेकिन विधायक हो या सांसद या स्थानीय जो मुखिया है, उनकी ध्यान इस ओर नहीं है। लेकिन कब तक सड़क का निर्माण कार्य हो पाता है, यह भी देखना बाकी है। हालांकि मुखिया यहाँ पर अब जीवित भी नहीं है, लेकिन यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, चाहे ट्रेड यूनियन है या शीर्षर का जो अधिकारी है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप देख सकते हैं सड़क का किस प्रकार से हाल है, यहाँ पर सड़क का बहुत बुरा हाल है और सड़क को जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह जर्जर है। ऐसे में सड़क का निर्माण कार्य होता है तो आम जनता को बहुत बड़ा राहत मिल सकती है। बड़का गाँव विधायक अंबा प्रसाद सरकार आपके द्वार का शिविर का आयोजन का कार्यक्रम इसी क्षेत्र में की थी, लेकिन विधायक अंबा प्रसाद किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थी। लेकिन आम जनता विधायक से यह सवाल करने वाले थे कि सड़क के मुद्दा को लेकर के, लेकिन यह सड़क कब तक बनता है यह जनता सवाल कर रही है। जनता सड़क मांग रही है, जनता को सड़क कब तक मिलेगा सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना है कि रफ्तार मीडिया सड़क को लेकर के जब मुद्दा उठाया है, विधायक हो या सांसद हो, सभी इस मामले पर संज्ञान ले और सड़क दे जनता के लिए। रफ्तार मीडिया के लिए गुड्डू पांडे, रामगढ़, हजारीबाग।